मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज है तारीख 14 नवंबर सन 2021 और दिन है रविवार। अपने वीडियो कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के अध्याय 5 से लेकर के 7वें अध्याय तक की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो श्री हरि के नाम के साथ हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हे गोविंद गोपाल मुरारी, हे गोविंद गोपाल मुरारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। अनगिन दुरित भरऊ हो डड़मत, अनगिन दुरित भरऊ हो डड़मत, किस विधि पाऊं चतुर तुम रे पग, किस विधि पाऊं चतुर तुम रे पग, तुम ही जग के एक आधार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। जब नंद बाबा को पुत्र जन्म का समाचार मिला, वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पास उनको यशोदा जी के बगल में लिटाए आए थे। जब यशोदा जी का तंद्रा टूटी और उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक बहुत ही सुंदर बालक है। तो सभी लोगों को उन्होंने सूचित किया, उनके घर के सभी लोगों को जब पता चला तो गोकुल में बहुत ही धूमधाम मच गई। जब गोकुल में धूमधाम मच गई तो घर में उत्सव होने लगे, ढोल ताशे बजने लगे, महिलाएं घर में आ गईं और वो मंगल गीत गाने लगीं। वो तरह तरह से सजी हुई सजी धजी महिलाएं सब आईं और उन्होंने आकर के जो श्री कृष्ण जी थे, भगवान जी थे, नया बच्चा था, उसको उन्होंने प्यार किया, दुलार किया, अपना आशीर्वाद भी किया और बहुत तरह के उसको उपहार भेंट किए। इसी सब के तारतम्य में जो नंद बाबा थे उनके भी बहुत दिनों बाद पुत्र पैदा हुआ था, संतान को प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने जो भी लोग उनके यहाँ आए हुए थे, जो कि गोपियाँ आई थीं, ग्वाल आए थे, उन्होंने उनको उपहार आदि भेंट किए थे, जिसने नहीं भी भेंट किए तो उन्होंने उनको भी खूब उपहार इत्यादि दिए और स्वर्ण मुद्राएं दी ब्राह्मणों को और उनका बहुत अच्छी प्रकार से उनको प्रस्थान कराया वहाँ से। उसके बाद नंद बाबा जो थे मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के उन्होंने वहाँ पर कंस का जो कर दिया जाता था वो उन्होंने दिया और उसके बाद जब वो अपने स्थान पर टिके हुए थे तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे, वसुदेव देवकी के जो पति थे, वे आए और उन्होंने उनको इस बात की उनसे चर्चा की कि आपकी रुक्मिणी का बेटा जो है, जो हुआ है उसको, वो मेरा ही बेटा है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई आपके जो बेटा हुआ है वो भी बहुत ही शक्ति संपन्न और वो तो एकदम भगवान का रूप है, उसके लिए उन्होंने उनको बहुत बहुत बधाई दी। जब दोनों लोगों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया तो फिर वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि अब ऐसा कीजिए कि अब आप गोकुल लौट जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह के उपद्रव इत्यादि होने की संभावना है। इसके बाद नंद बाबा जो थे वो अपने गोकुल की तरफ अपनी बैलगाड़ियों इत्यादि में अपने लाव लश्कर के साथ लौट पड़े। अब एक दूसरा दृश्य है जिसमें कि एक पूतन नाम की एक राक्षसी थी, वह कंस के लिए छोटे बच्चों को मार करके मारती थी और क्योंकि उसने कहा था ना कि 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे होंगे हम सबको मार डालेंगे,
तो वो घूम घूम करके इसी तरह से बच्चों को मार रही थी और उनका खून पी जा रही थी। उसने एक बहुत ही सुंदरी का रूप धारण किया और वो नंद बाबा के घर में घुस गई। उसने देखा कि सब लोग अपने काम काज में लगे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं पालने में लेटे हुए हैं और खेल रहे हैं। उन्होंने उसको चुपके से उठा लिया उसने उनको, और उसने अपने स्तनों में जो था बहुत ही मारक विष लगाया हुआ था, इसलिए कि जैसे ही वो दूध बच्चा पिएगा उसका तो वो बच्चा दूध तो निकलेगा नहीं उसकी उसकी जगह उसको जहर उसके में पेट में फैल जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उसको अपने दूध अपने स्तन से लगाया दूध पिलाने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने उसके स्तनों को बहुत दोनों हाथों से बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने उसके दूध को अपने मुंह में सक करने के लिए खींचने के लिए इतनी ज़ोर से ज़ोर लगाया कि उसकी दम निकलने लग गया। उसको इतना दर्द होने लगा कि वो चिल्लाने लगी कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन भगवान ने उसको इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके प्राण निकल रहे हैं, और वास्तव में भगवान उसके प्राणों को खींच ही रहे थे। तो जब उसके प्राण निकलने लगे उसको बहुत ही असह्य तकलीफ़ होने लगी, तो उसने अपना रूपसी वाला जो था रूप छोड़ दिया और वो जो असली रूप था उसमें वो सामने आ गई। जब वो उसमें सामने आ गई तो बड़ी विशालकाय हो गई, और लेकिन भगवान ने उसको छोड़ा नहीं जब तक कि उसके प्राण पक्षी रूप उड़ नहीं गए। उसके बाद जब वो ज़मीन पर गिरी तो बहुत दूर तक थे, वो इतनी लंबी चौड़ी इतनी बड़ी थी कि जैसा कि पुस्तक में लिखा है कि 6 कोस तक के जो थे पेड़ उससे क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद भगवान कृष्ण उसके पेट पर ही लेटे लेटे खेल रहे थे। यशोदा मैया आईं, सब औरतें आईं और भी ग्वालिनें आईं, और सब ने आकर के उनको उठाया, और फिर जो गोकुल के जो दो लोग थे उन्होंने पूरा 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 उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े किया, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसको उन्होंने जला दिया। उसके बाद लौट के नंद बाबा आए। जब नंद बाबा को ये सारी घटना का पता चला तो उन्होंने समझा, उन्होंने ध्यान दिया कि जब हम चल रहे थे तो वसुदेव जी ने ये हमसे कहा था कि गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहे हैं। उनको आखिर इस घटना की जानकारी पहले से कैसे हो गई? उन्होंने मन में सोचा कि वसुदेव जी जरूर कोई ऋषि मुनि है, इसलिए उनको पहले से ही बातों का संकेत मिल जाता है। इसी प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं करते रहे। जब ये 3 माह के हो गए तो उनका करवट बदलने का एक अभिषेक मनाया जा रहा था घर में। श्री कृष्ण को दूध पीना था और तो वे रोने लगे और हाथ पैर फेंकने लगे। जब वो हाथ पैर फेंकने लगे, उनके पैर बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उनका जो पालना था, जो उनका बिस्तरा था जहाँ पर लेटे हुए थे, उसके पार उसमें एक बड़ा सा चकड़ा रखा हुआ था जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जिसको कि किसी एक कई आदमी लोग मिलकर के हटाते उसको नहीं मिला। तो भगवान की तरफ जब यशोदा मैया ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो मेहमानों के खातिर वगैरह में लगी हुई थी क्योंकि उनके यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा था उस दिन, तो भगवान ने उसके ऊपर पैर मार दिया। पैर मारने से क्या हुआ कि पूरा छकड़ा जमीन पर गिर गया, बड़ी तेज आवाज हुई, तो उससे सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए और लोगों को इस बात में सुनकर देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इस छोटे के बच्चे से के पैर मारने से इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिर गया। इसी प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं दिखाते रहते थे। एक दिन यशोदा जी जब उनको गोद में ले करके इधर उधर टहल रही थी, घूम रही थी, तो अचानक उनका भार बहुत बढ़ गया। वो इतनी वजनी हो गए कि वो यशोदा जी से उठा रहे थे, और तब उन्होंने उनको ज़मीन पर बैठा दिया। तो अक्सर जो थी वो इस तरह की अपनी लीलाएं करते रहते थे, जिससे कि नंद बाबा और जो यशोदा जी थी वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते थे। इसी में हम आपको एक तृणावर्त नाम का एक राक्षस था, वह भी कंस का सेवक था। एक बार वो बवंडर के रूप में कंस ने उसको भेजा, तो वो एक बवंडर बनकर के आया और जहाँ भगवान कृष्ण बैठे हुए थे जमीन पर खेल रहे थे, तो उन्हीं के ऊपर से निकला और उसने उस बवंडर में उनको भगवान कृष्ण को फंसा लिया, और बवंडर जो था खींचता खींचता उनको ऊपर तक ले गया। जब वो वहाँ से गायब हो गया और यशोदा जी ने देखा कि उनका बालक वहाँ पर नहीं है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सब औरतें भी उनके यहाँ आ गईं, कह लगे मेरा लाला गुम हो गया, पता नहीं कौन राक्षस उठा ले गया। खैर, वो जो बवंडर था उसके ऊपर तक भगवान कृष्ण उसको ले गए। तो जब वो ऊपर ले गए तो उन्होंने अपना भार इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि जो वो राक्षस था उससे उनका भार उठाया नहीं जा रहा था, तो उसने उनको छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने इतनी ज़ोर से उसका गला पकड़ रखा था
कि वो नीचे गिरे ही नहीं, उसके गले में ही लटके रहे। अब वो अपने गले को भगवान से छुड़ा रहा था, वो उसको छोड़ नहीं रहे थे। उन्होंने उसको इतनी देर तक दबा के रखा कि अंत में वो एक जो बवंडर था वो एक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया और भगवान ने उसका गला इतना कसा कि अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस विषय में एक कहानी है कि ये राक्षस कैसे बना, कि पांडु देश में सजस्त्राक्ष नाम का एक राजा हुआ था। वे अपने रानियों के साथ एक जगह विहार कर रहा था, तभी उधर से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्होंने देखा कि वो जो राजा था उसने उनको प्रणाम नहीं किया। उन्होंने प्रणाम न करने पर उनको बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम राजा न हो करके तुम्हारी प्रवृत्तियाँ राक्षस के समान हैं, तुम ऋषि मुनियों का और साधु संतों का आदर नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्तियाँ राक्षस की हैं, तो तुम जाओ, तुम राक्षस बन जाओ जाकर। उन्होंने उसका ऐसा श्राप दे दिया। जब उसको श्राप दे दिया तो उसने ऋषि के बहुत ही पैर पड़े और काफ़ी उन्होंने उसको माफ़ी मांगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब तो देखो तुम राक्षस हो ही गए हो, लेकिन जब भगवान कृष्ण अपना अवतार लेंगे और उनके शरीर से तुम्हारा स्पर्श होगा तो तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी तुमको। तो वही वाला राक्षस जो था ये बाउंडर बन के बना था। जब उसको भगवान ने उसका गला दबाया और वो मरा तो उसको मोक्ष की प्राप्त हुई। इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण जो थे कई बार कहते थे कि वो दूध पीते ही चले जाते थे। यहाँ तक कि उनकी माँ जो यशोदा थी उनको दूध पिलाते पिलाते तंग आ जाती थी। तो एक बार उन्होंने तंग आने के बाद उसको जमीन पर बैठा दिया कि इतना दूध पीता है, कितना दूध पिएगा आखिर। तो इस तरह से जब उन्होंने उनको बहुत ममतामयी डांट लगाई तो उन्होंने भी बाल सुलभ कोमलता से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैया मुझे और दूध पिला दो। तो उन्होंने कहा अब तुमको दूध नहीं मिलेगा, इस तरह कुछ डांटा होगा। तो उन्होंने अपना मुँह खोल दिया। मुँह खोलने पर माता यशोदा ने देखा कि उनके मुँह के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है, सारे लोग हैं, आदमी हैं, औरतें हैं और बहुत से। तो भगवान ने उनको ये दिखाने की कोशिश की कि जो मैं तुम्हारा दूध पी रहा हूँ ये मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, ये तो मेरे द्वारा पूरा संसार दूध को पी रहा है। तो माता यशोदा इस मर्म को भगवान के अच्छी तरह से समझ नहीं पाई और वो अत्यंत भयभीत हो गई और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली और उन्होंने कहा कि लाला अपने इस जो भी तुम्हारे मुँह में दिख रहा है मुझे दिखना बंद हो गया। जब उन्होंने आँखें खोली तो देखा भगवान कृष्ण बैठे हुए सामने मुस्कुरा रहे थे। माता ने उनको बहुत ही प्रेम से गले लगा लिया। भगवान इसी प्रकार की लीलाएं जो थे आए दिन करते रहते थे, जिसको कि देख करके नंद बाबा और यशोदा बहुत ही पुलकित होते थे और आश्चर्यचकित भी होते थे। तो हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा हम अगले अंक में कहेंगे। तब के लिए राधे राधे। आगे आपसे एक प्रार्थना करेंगे, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और उसके नोटिफिकेशन का बटन भी अवश्य दबाएं। वीडियो को इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें, इससे अन्य लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और ये जो सारांश में हम कथा प्रस्तुत कर रहे हैं इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। तो ठीक है, अब चलते हैं। नमस्कार।